धमतरी जिले में भू माफियाओं का हौसला काफी बुलंद हो गया है। पहले भू माफिया चोरी छिपे अवैध प्लॉटिंग करते थे, लेकिन अब खुलेआम अवैध प्लॉटिंग का काम होने लगा है। और अब इसी का जीता जागता उदाहरण रुद्री रोड में सुमित बाजार के सामने देखने को मिला। बता दें कि रुद्री रोड में सुमित बाजार के सामने भू माफियाओं के द्वारा करीब 12 से 13 एकड़ ग्रीन लैंड में अवैध प्लॉटिंग के खेल को अंजाम दिया जा रहा है। प्लॉट काटने के लिए करीब 30 फीट चौड़ा मुरुम का सड़क बनाया गया है। अब इसके साथ ही निगम के नाले के ऊपर भी प्लॉट जाने का रास्ता बना दिया गया है। एक और जहां कलेक्टर नम्रता गांधी ने 18 नवंबर को समय सीमा की बैठक में अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई के निर्देश दिए थे, तो वहीं 2 दिन बीत जाने के बाद भी कलेक्टर के निर्देश पर संबंधित अधिकारियों ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। ऐसे में विधायक ओमकार साहू ने अवैध प्लॉटिंग के मामले को विधानसभा के शीतकालीन सत्र में उठाने की बात कही है। धमतरी से वैभव चौधरी की रिपोर्ट। पहले तो आज 11 महीने हो गए बीजेपी की सरकार, और अवैध प्लॉटिंग जो आप बात करें उसके अलावा आप देख रहे हैं कि चाकूबाजी हो रही है ना, रेत की अवैध परिवहन हो रही है, खनन हो रही है, और जिस टॉपिक पे आप चर्चा करने आए हैं, बात करने आए हैं, ये है अवैध प्लॉटिंग की। मैं अभी रुद्री का देखा हूँ, मैं आपका कलेक्टर निवास और आपका एसपी निवास के सामने अवैध प्लॉटिंग हो रहा है, अधिकारियों के संरक्षण में अवैध प्लॉटिंग हो रहा है, ये जग जाहिर हो गया है ना। हम लोग अभी कांग्रेस पार्टी और सभी हमारे जनप्रतिनिधि कांग्रेस पार्टी की आज एक आंदोलन करेंगे, आगाज करेंगे कि धमतरी में जो अवैध प्लॉटिंग हो रही है, और मैं तो कल तहसीलदार को बुलाकर सख्त हिदायत भी दिया हूँ, और उसको वीडियोग्राफी और फोटो भी मैं उसको मुहैया कराया हूँ कि आप देखिए कि आप लोगों के संरक्षण में ये अवैध प्लॉटिंग हो रही है, सख्त निर्देश दिया गया है, और आने वाले दिन में अगर कार्रवाई नहीं होगा तो हम रोड में आकर इसकी कार्रवाई के लिए हम लोग विरोध करेंगे। बारिश के बाद इलीगल प्लॉटिंग में वापस सक्रियता देखी जा रही है, तो इसको टीम बना के इस पर सख्त कार्रवाई की जा रही है और इलीगल प्लॉटिंग को रोका जाएगा।